दोनों पार्टीज की बातचीत चल रही है, इलेक्शन भी हम इलेक्शन भी खत्म हो जाने हैं, हम सब भाई भाई आपस में इकट्ठे ही रहना है, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंड से ही हमें सोचना है। बिल्कुल। अच्छा, ए, जो है बहादुरी कौशल रोनी, ये जो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत थी, मेन रीजन क्या था? इतनी वजूहत कोई नहीं, क्योंकि हमारे भाई हैं वो पीछे के। अब वो दोस्त कह रहे थे कि जो हमारे ओपोनेंट पार्टी के दोस्त हैं वो कह रहे थे कौशल क्लोनी, बाहर क्लोनी, मॉडल क्लोनी, इन एरियाज को इंक्लूड करना है इसमें। लेकिन उसका अमल का तरीकाकार ये था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी ये सजेशन दी थी कि देखें, इससे पहले जो वोटर लिस्टें थी वो अराउंड 105 थी, इससे पहले ना जो 3 साल पहले इलेक्शन हुआ था, उन्हीं के ऊपर वोट कर लेते हैं। अगर वो उसको करते हैं कि हाँ जी ठीक है, उनको मेजोरिटी के साथ उसको करते हैं, एडमिट करते हैं कि ठीक है 105 में से दोस्त मैक्सिमम अगर बाहर कोई कौशल का एरिया था उसको शामिल करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें एक अक्सरियत राय की वजह से उन्होंने उसके ऊपर इनकार किया था, तो नहीं तो होगा कि उनको नहीं करें। लेकिन वो इस कम्युनिटी से आप कह लें कि अगर उन्होंने प्रॉपर काम करना है तो ऊपर अपना ऑफिस बनाए, हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाए हमारे साथ, ठीक है, विदाउट ए सिंगल पैनल, ठीक है। कई चीज़ों में हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। कल को कोई ऐसे बहुत से ऐसे मसाइल पीछे हिस्ट्री में ऐसे बने हैं कि जिसके अंदर कोई दूध बेचने वाला, कोई जनरल स्टोर वाला, कोई अपना समोसे बेचने वाला जो है ना, उसने ब्रोकरेज किया और उसकी वजह से हम लोगों पे बोहतान लगे। तो इस वजह से हम लोग ये रिफॉर्म्स, हम ये चीज़ों के भी रिफॉर्म्स इंशाल्लाह लेके आएंगे और ला भी रहे हैं। आपका फाउंडर ग्रुप, आपकी सारी टीम, आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उन पर सेटिस्फाइड है, और कैसी उनकी कारकर्दगी चल रही है? ये अलहमदुल्ला जी, मैं चौधरी सांसद, जो हमारे चौधरी सांसद इलेक्शन कमीशन है, हॉटलाइन एसोसिएट से जी जी, मैं वो बड़े न्यूट्रल और साफ इंसान है, हम लोगों की पूरी उनके ऊपर हम कॉन्फिडेंट हैं अलहमदुल्ला। हमारी जो ओपोनेंट पार्टी है वो भी अलहमदुल्ला तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमें ऐसा ही बंदा चाहिए था जो न्यूट्रल होकर काम करे। अगर हम किसी गलत जगह पे गलत हैं, हमारी कमी कोताही हो, तो हमें वो अलाइन करे। अगर उनकी तरफ से हो तो उनकी तरफ से करे। सर यही है कि ये हमें न्यूट्रल बंदा चाहिए था, उसके लिए चौधरी शाम साहब बेहतरीन चॉइस हैं, और मैं उनकी जो है ना उनको बता भी दूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जो है ना इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। हाफिज नवीद अहमद अल रहमान, स्टेट लिंक्स मून मार्केट फैसल टाउन, बतौर नायब सदर फाउंडर ग्रुप। तो मैं सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है वो आप लोगों की खिदमत करने के लिए आ गया है, और इसको चांस दें, क्योंकि आपने जैसे कि देखा है कि पहले भी हमने टाइम दिया दोस्तों को, उन्होंने क्या किया आपके लिए, वो भी चीज़ें आप सबके सामने हैं, और हमारी खिदमत का जज्बा और हमारे तमाम लोग जो आपने देखे हैं वो सब काम करने वाले हैं। इनको सपोर्ट करें, इनको जीत कर आगे लेकर आएँ, ताकि वो आपके मसाइल को हल कर सकें। क्योंकि पहले जो डेट थी 28 मार्च, वो कुछ कोविड की वजह से डिले हो गई, कुछ ज़रूरी काम थे यूनियन के वो बाकी थे, अब वो सारे कम्प्लीट हो चुके हैं,
जिसमें एक बाकायदा जो है जोधिया सानुल हक साहब का हिस्सा है, उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश से इस सारे मामलों को हैंडल किया, जिसमें कुछ मुतनाज़ा इलाका था उसको भी हल किया, वोटर लिस्टें भी कंप्लीट हो गई हैं और अब 11 मार्च का उनको ऐलान किया है। और ये वही दिन है जिसको आप लोगों ने मिलकर अच्छा बनाना है और अपने दोस्तों को सपोर्ट करना है ताकि वो जीत कर ग्रुप को आगे लेकर आएँ। तो मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अब टाइम जो है वो बैठ कर या बातें करने का नहीं है, बाहर निकलने का टाइम है। लोगों को बताएं, उनको साथ लेके आएं, वोट कास्ट करें, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि वोट आपको देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को दें, लेकिन अपने वोट का हक ज़ाया ना करें। और जब वोट करने जाएं तो अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनें और देखें कि कौन इसका हकदार है, उसको वोट दें ताकि वो पैनल जीत कर आ गया और आप लोगों की खिदमत कर सके। हमारा जो काम है वो आप लोगों की खिदमत करना है, जिसमें हमारे मंशूर हैं, डीलर की फलाह बहबूद के लिए काम है, जिसमें को थाने के चहरी के काम है, हेल्थ के काम है, डीलर की कमीशन का काम है, उसके लिए बाकायदा हमने एक मंशूर दिया है और हम उस पर इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। और हम जो भी काम करेंगे हम उसके पूरी अपनी डीलर कम्युनिटी को जवाबदेह होंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब वो टाइम आएगा तो हम अपने काम में सुरखरू होंगे। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट करें, वोट दें और आगे लेके आएँ ताकि हम आप लोगों के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है, मेरा ताल्लुक फैसल टाउन अलकमा स्टेट मून मार्केट से है। मैं आज ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में अपनी डीलर एसोसिएशन फैसल टाउन माल टाउन लिंक रोड माल टाउन एक्सटेंशन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, फाउंडर ग्रुप के हवाले से बात करना चाहूँगा कि फाउंडर ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी कोशिश और दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी नसीब फरमाए। बाकी ईगल ग्रुप वाले भी हमारे भाई हैं और मेरी उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं और मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि पिछली मरतबा फाउंडर ग्रुप ने उन्हें जाके बिला मुकाबला जितवा दिया था, क्योंकि उनका एहतराम हमारे दिल में है और रहेगा। उनकी कामयाबी हमने अपनी कामयाबी समझी थी, उनको जाके फूलों के हार इसलिए बनाए ताकि दोस्तों में इत्तेहाद और मोहब्बत भाईचारा कायम रहे और दोस्तों में ग्रुपिंग ना हो। लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए दो पार्टी सिस्टम हमेशा से हर मुल्क में हर जगह पे बेहतर गिना जाता है, लेकिन हमें हमारे ख्याल के मुताबिक इसे हमें पर्सनल नहीं लेना चाहिए। जो हम पर्सनल लेंगे तो ऑब्वियसली उससे बिजनेस में भी बुरा असर होगा और ज़ाती ताल्लुक में भी। उम्मीद है कि ये जमहूरी मामला जमहूरियत तक और इलेक्शन तक ही रहेंगे। इसके अलावा आज जो लाहौर के सदर हैं वो उनके हवाले से पता चला है प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के ताहिर मसूद साहब के, उन्होंने हफ्ता एतवार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग की है और उन्हें दफातर को ओपन रखने की इजाज़त मिल गई है। इसके लिए मैं उन्हें उनकी कोशिशों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा सुना है कि उन्होंने एक MOU खुद फाउंडेशन के साथ जो है वो साइन किया है, जिसके तहत किसी एमरजेंसी में किसी प्रॉपर्टी डीलर को कोई एमरजेंसी में कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस या अपने ही बिज़नेस के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये की लोन की ज़रूरत है तो उन्हें बिला सूद और फौरी तौर पर उन्हें अखवत फाउंडेशन से दस्तयाब होगा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, खुदा करे कि किसी प्रॉपर्टी डीलर दोस्त को ऐसा वक्त ना आए कि उसे कर्जा लेना पड़े। लेकिन जो कि कर्ज़ और अच्छे बुरे हालात की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से मामला ठीक रहेंगे। उसके अलावा मैं साथ ही बाकी पब्लिक के लिए और दोस्तों के लिए हौसला अफजाई की कोरोना के हवाले से बात करना चाहूँगा कि एक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग सांप के काटने से मरते हैं उनका जब टेस्ट किया गया, मेडिकल टेस्ट हुआ, तो पता चला उसमें 80% लोग को जो सांप काटता है वो जहरीला सांप नहीं होता, वो चूहे खाने वाले सांप होते हैं। जो लोग मर जाते हैं वो सिर्फ इसी डर से मर जाते हैं कि मुझे सांप ने काटा है, उनके जिस्म में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि वो जहर से वही जिस्म के जो आम जिस्म की जो आम खून है वो जहर में तब्दील होकर उनकी मौत का बाइस बनता है। तो आप सब मुसलमान दोस्तों से, सारे भाइयों से, प्रॉपर्टी डीलर से, जिस भी मजहब से ताल्लुक है उनसे गुजारिश ये है कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। जैसा कि मेरी कोशिश है और सब दोस्तों से कि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू देने के लिए मैंने अपना मास्क उतारा हुआ है, अदरवाइज़ मास्क भी पहने, सैनिटाइज़ करें हाथों को और जहाँ पर भी जो हुकूमती SOPs हैं उस पर अमल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इस वबा से महफूज रहेंगे, लेकिन तमाम हिफाजती इकदाम
के लिए के बाद ज़रूरी है कि वो अपने ज़हनी तौर पर मजबूत रहें, मुस्बत सोचें, पॉजिटिव सोचें, दूसरों के लिए बेहतर सोचें। हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होगी जब ये सोचेंगे तो इंशाल्लाह वो कोरोना भी उन्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर होगा तो उसमें से हंसी खुशी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। जैसे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कोरोना हुआ, मैंने अब अपने मेडिकल टेस्ट करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। हालांकि जब कोरोना हुआ मुझे पता ही नहीं चला, एंटीबॉडीज़ के बाद मुझे पता चला। तो मेरी सबके लिए दुआएं, आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला सबको आसानियां फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।